करेंगे सिस्टम, टिश्यू सिस्टम की। नीड योर अटेंशन, वीडियो लेक्चर मैं चालू कर रहा हूं विथ द हेडिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ टिश्यू सिस्टम। बात आगे बढ़ा रहा हूं, पकड़िएगा प्लीज। सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा जो है इंडिविजुअल उस सिस्टम में रहेंगे। सिस्टम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट। आई नीड योर अटेंशन। इसके पहले हम टिश्यू की बात कर रहे थे, तो टिश्यू मेड अप ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर सेल। अब हम टिश्यू सिस्टम की बात करने वाले हैं। टिश्यू सिस्टम में सेवरल टिश्यूज इन एसोसिएशन विथ ईच अदर, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेवरल टिश्यूज इन एसोसिएशन विथ ईच अदर इफ दे आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग वेरियस पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। और ये जो ग्रुप ऑफ सेवरल टिश्यू एक दूसरे से एसोसिएट होके स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दीज सेवरल टिश्यू मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन। तो हमने पहले ग्रुप ऑफ सेल को स्टडी किया, बन गया टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ सेवरल टिश्यू को हम कंबाइन करेंगे और स्टडी करेंगे टिश्यू सिस्टम। हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में फिनिश किया था, ठीक है, जो है एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड, के बाद सेल ऑर्गेनेल। ग्रुप को हमने बोला सेल, के ग्रुप को हमने बोला टिश्यू, के ग्रुप को हमने बोला ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को हमने बोला जो है ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। प्लांट में थोड़ा अलग है, प्लांट में जो है ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेवरल टिश्यूज जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं शोइंग कॉमन ओरिजिन, हम यहां पर टिश्यू सिस्टम नाम देंगे। टिश्यू सिस्टम मिलके बनाएंगे बॉडी, बॉडी सॉरी टिश्यू सिस्टम मिलके बनाएंगे ऑर्गन, के बाद जस्ट बॉडी बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा इन द प्लांट। सो मैंने यहां पर हेडिंग डाला टिश्यू सिस्टम। नीड योर फुल अटेंशन। टिश्यू सिस्टम में जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि टिश्यू सिस्टम ये रिलेट करेगा नेक्स्ट हेडिंग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट रूट लीफ एंड स्टेम। इफ यू क्लियरली अंडरस्टूड द टिश्यू सिस्टम, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जो है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट रूट लीफ स्टेम समझना। और टिश्यू सिस्टम एज वेल एज टीएस ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट रूट लीफ एंड स्टेम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। बात ले चल रहा हूं मैं आगे, लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम। मैंने यहां पर बोला ग्रुप ऑफ सेवरल टिश्यूज हैविंग कॉमन ओरिजिन वर्किंग एज एन यूनिट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फंक्शन। फंक्शन हमेशा कॉमन नहीं रहेगा, डिफरेंट फंक्शन भी हो सकते हैं या सेट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस कॉल्ड टिश्यू सिस्टम। सिस्टम का मतलब ही होता है कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम हायरार्की में एडवांस है, सेवरल कंपोनेंट से बना है। इसके पहले हम इंडिविजुअल टिश्यू पढ़ रहे थे, तो इंडिविजुअल टिश्यू में एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके पहले इंडिविजुअल टिश्यू जो हम डिटेल किया था उसमें एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में जितने भी सेल्स थे वो जो है सेम टाइप के थे। पैरेन्काइमा टिश्यू पैरेन्काइमेटस सेल, कोलेन्काइमा टिश्यू कोलेन्काइमेटस सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, मेरिस्टमैटिक टिश्यू मेरिस्टमैटिक सेल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, वो बात की बात है। अब हम यहां पर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में एक से ज्यादा कंपोनेंट मिलके बनाएंगे टिश्यू का सिस्टम। आगे हम अच्छे समझाएंगे, तो सुनिएगा। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, नीड योर फुल अटेंशन हियर,
या बेटर टू से मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी एंड लोकेशन, बेटर टू से पोजिशन। वॉन सेसे साइंटिस्ट का नाम है, वॉन सेसे ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। वॉन सेसे डिवाइडेड थ्री टाइप्स ऑफ, डिवाइडेड या गेव या गिवन बोल सकते हैं, गिवन थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स फाउंड इन प्लांट, फाउंड इन प्लांट्स। समझते हैं, अलग अलग टिश्यू। अब जब हमने जो है पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम इन टिश्यूज को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया, इन टिश्यूज के ग्रुप को हम आगे नाम देने वाले टिश्यू सिस्टम। तो आप देखते हैं यहां पर अब तक जो हमने फाइव टाइप के टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू को हटा के पैरेन, कोलेन, स्क्रेन, जाइलम और फ्लोएम, ये जो फाइव टाइप के टिश्यू हैं, ये ऑर्गेनाइज होके, एसोसिएट होके एक दूसरे के साथ प्लांट में कितने अलग सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, थ्री डिफरेंट टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, ग्रुप ऑफ सेवरल टिश्यूज जिनका ओरिजिन कॉमन होगा और यूनिट के जैसा अलग अलग टिश्यू काम करेंगे कॉमन फंक्शन या डिफरेंट फंक्शन के लिए। समझाएंगे अच्छे से, बात आगे बढ़ाएंगे, ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो यहां पर मैंने मेंशन किया ईच टिश्यू सिस्टम, ईच टिश्यू सिस्टम हैज, ईच टिश्यू सिस्टम हैज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सेट ऑफ टिश्यूज, पर्टिकुलर सेट ऑफ टिश्यूज विच आर एसोसिएटेड विथ, विच आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, विच आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर to perform specific functions। बात समझिएगा सिस्टम के बारे में, जैसे एजुकेशनल सिस्टम एक सिस्टम है, नीड योर अटेंशन, एजुकेशनल सिस्टम एक सिस्टम है। अब एजुकेशनल सिस्टम एक सिस्टम है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉमन पर्पज, जिसको हमने बोला एजुकेशन प्रोवाइड करना। एजुकेशनल सिस्टम में वेरियस कंपोनेंट है, स्टूडेंट हैं, जो है टीचर या फैकल्टीज हैं, देन हायर अथॉरिटी है, देन जो है सीईओ है, बहुत सारे अलग अलग जो है हायरार्की है, वर्कर्स हैं बहुत सारे, तो वर्कर्स, स्टूडेंट, टीचर, फैकल्टी, उनके ऊपर के हायर अथॉरिटी, ये सब ऑर्गेनाइज होके एक दूसरे के साथ एसोसिएट होके काम कर रहे हैं किसके लिए, एजुकेशन के लिए। वैसे ही टिश्यू सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें जो है सेवरल टिश्यूज एसोसिएट होके प्लांट की बॉडी को जो है डेवलप करने में, फॉर्म करने में इन्वॉल्व है। जूलियन सेसे ने प्लांट बॉडी में, बेस्ड ऑन किसी पर्टिकुलर टिश्यू सिस्टम में जो है, जो सेल है उनका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है टिश्यू सिस्टम का, थ्री डिफरेंट टिश्यू सिस्टम ऑब्जर्व किया इन द प्लांट बॉडी। तीनों टिश्यू सिस्टम जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं, थ्री डिफरेंट टिश्यू सिस्टम गिवन बाय वॉन सेसे, ईच टिश्यू सिस्टम हैज स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ टिश्यूज और वो जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और यही तीन टिश्यू सिस्टम पूरा प्लांट को मेंटेन करेंगे। हम इसको जो है हाईलाइट करेंगे। सो ईच टिश्यू सिस्टम हैज पर्टिकुलर सेट ऑफ टिश्यू और ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ टिश्यूज हैं इंडिविजुअल टिश्यू सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, इनमें सेट ऑफ टिश्यूज एक दूसरे के साथ एसोसिएट होके पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मेंशन कर रहा हूं तीन डिफरेंट टिश्यू सिस्टम जो ओवरऑल प्लांट की बॉडी फॉर्म करेंगे, जो ओवरऑल प्लांट में सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये तीन टिश्यू सिस्टम बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन पोजिशन या लोकेशन, कौन कौन से हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टिश्यू सिस्टम वांसेसे के लैंग्वेज में तीन टाइप का है। तीनों टाइप के टिश्यू सिस्टम का स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी, तीनों टाइप के टिश्यू सिस्टम का पोजीशन या लोकेशन इन द प्लांट जो है स्पेसिफिक है। पहला टिश्यू सिस्टम मैंने रखा यहां पर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सिंपली ETS, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा टाइप का टिश्यू सिस्टम मैंने यहां पर रखा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, GTS, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, आगे लिखवा देंगे। थर्ड वन इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यह है VTS, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इन्वॉल्व टिश्यू एसोसिएटेड रहेंगे एक दूसरे के साथ, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जितने भी टिश्यूज मिलके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएंगे वो एक दूसरे के एसोसिएशन में रहेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में सेवरल टिश्यूज एक दूसरे के एसोसिएशन में रहेंगे और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसलिए ये तीनों टिश्यू सिस्टम सेवरल टिश्यूज से बने हैं, ओरिजिन सेम रहेगा। इन टिश्यू सिस्टम में जो टिश्यूज है उनका ओरिजिन कॉमन रहेगा और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक फ्लो चार्ट में देख जो है रखता हूं यहां पर, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मैं रख रहा हूं एपिडर्मिस, यहां पर फिर आएगा जो है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, और आएगा एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। जो है टिश्यू सिस्टम में सेवरल टिश्यूज का नाम मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन से टिश्यू सिस्टम, कौन से टिश्यूज इन जो है प्रेजेंट होंगे, एसोसिएट होंगे। मैं यहां पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो है सेवरल टिश्यू इन्वॉल्व है वो टिश्यूज प्लांट ऑर्गन का कौन सा लेयर बना रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो डिफरेंट टिश्यूज इन्वॉल्व हैं वो प्लांट ऑर्गन का कौन सा लेयर बना रहे हैं, तो हम यहां पर लेयर के फॉर्म में जो है फ्लो चार्ट बनाएंगे और हर एक लेयर को फिर बाद में हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये लेयर इस टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, ये टिश्यू से बना है, ये लेयर इस टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, इस लेयर से बना है। इस तरीके से मैं यहां पर फ्लो चार्ट रख रहा हूं, समझ के रखिएगा। और मेरा फ्लो चार्ट मैं अपने तरीके से डिजाइन कर रहा हूं, आप अपना जो है डिजाइन कर लीजिएगा। एपिडर्मिस आ गया, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं स्टोमाटा के बारे में। एपिडर्मिस से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आ जाएगा स्टोमाटा, और एपिडर्मल जो है अपेंडेजेस में मैं यहां पर रूट हेयर की बात करूंगा, और मैं यहां पर स्टेम हेयर या सूट हेयर के नाम पर ट्राइकोम की बात करूंगा, रूट हेयर एंड ट्राइकोम। सो एपिडर्मिस, स्टोमाटा, रूट हेयर एंड ट्राइकोम, दीज स्ट्रक्चर्स कलेक्टिवली फॉर्मिंग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नाम क्यों ऐसा रखा, वन बाय वन डिटेल में जस्टिफाई करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इट इज डिवाइडेड, नीड योर फुल अटेंशन, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री जोन्स, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स, ठीक है। ये तीन रीजन में डिवाइडेड है, पहला रीजन है कॉर्टेक्स, देन दूसरा रीजन है पेरिसाइकल, और तीसरा रीजन है पिथिया मेडुला, पिथिया मेडुला। दीज आर नॉट टिश्यूज, जिसके ग्रुप को हम टिश्यू सिस्टम बोले, दीज आर ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बने हुए लेयर्स जो प्लांट बॉडी में, प्लांट ऑर्गन में प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू थ्री सब पार्ट्स या थ्री सब लेयर, सबसे पहला है हाइपोडर्मिस, के बाद का लेयर है जनरल कॉर्टेक्स, के बाद का लेयर है एंडोडर्मिस, के बाद का लेयर है एंडोडर्मिस,
ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्लांट बॉडी का, प्लांट ऑर्गन का मैक्सिमम पार्ट फॉर्म करता है, ये बल्क में प्रेजेंट होता है, मैं इसको आगे मेंशन करवाऊंगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के तीन पार्ट ले रहे हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम, ठीक है, और इसमें कैम्बियम भी आता है। जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, दिस थ्री पार्ट्स बनाएंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इन तीनों टिश्यू सिस्टम को मैं एपिडर्मिस, स्टोमाटा, रूट हेयर और ट्राइकोम फॉलोड बाय कॉर्टेक्स के तीनों सब लेयर फॉलोड बाय पेरिसाइकल एंड पिथ और जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, इतने लैंग्वेज में मैं टिश्यू सिस्टम को कंप्लीट करूंगा। टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल टिश्यूज हैविंग कॉमन ओरिजिन, परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर, पोजीशन या लोकेशन। वॉन सेसे ने तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम दिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इनका पोजीशन, लोकेशन, इनका मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होगा, कॉमन ओरिजिन के होंगे। अब एक एक करके इनका डिटेलिंग कर रहे हैं कि ये तीनों टिश्यू सिस्टम कौन से टिश्यूज के बने हैं। अच्छा, ओरिजिन तो मैं अभी मेंशन कर दूंगा, इनका फंक्शन क्या है, क्या काम करेंगे, अच्छे से समझिएगा। ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो सेवरल टिश्यू से बने हैं, देसो कॉमन ओरिजिन मेंशन करते हैं। ये कॉमन ओरिजिन थोड़ा रिमाइंड करिए, हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू में बेस्ड ऑन फंक्शन और हिस्टोजन थियरी दिया था, बेस्ड ऑन फंक्शन और हिस्टोजन थियरी के लैंग्वेज में थोड़ा देखिएगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अराइज फ्रॉम, मैं बोलूंगा यहां पर प्रोटोडर्म, अराइज फ्रॉम प्रोटोडर्म इन द लैंग्वेज ऑफ फंक्शन, या मैं बोलूंगा डर्मेटोजन। हिस्टोजन थियरी, सूट अपेक्स का आपने सुना था हिस्टोजन थियरी, और जो है एपिकल मेरिस्टेम फंक्शन के बेसिस पर तीन टाइप के डिवाइड हुए थे। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जितने भी अलग अलग टिश्यू स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, दे हैव कॉमन ओरिजिन, और उनको बना कौन रहा है, प्रोटोडर्म या हम डर्मेटोजन नाम दे सकते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो सुनिएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इट डेवलप्स फ्रॉम या अराइज फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है, या इसको हम जो है पेरिब्लेम नाम देते हैं, पेरिब्लेम। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इट अराइज फ्रॉम हम नाम दे सकते हैं प्रोकैम्बियम, या हम नाम देते हैं प्लीरोम, ठीक है। जो है ये पेरिब्लेम और प्लीरोम में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो आप जो है टिश्यू जो है मेरिस्टमैटिक टिश्यू के डिटेल में जो है अच्छे समझ लीजिएगा। बेसिकली क्या है, प्रोटोडर्म डिवाइड करके बनाएंगे जितने भी डिफरेंट टिश्यू, वो एक दूसरे के एसोसिएशन के साथ बनाएंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड मेरिस्टेम डिवाइड कर के जितने भी अलग अलग टिश्यू बनाएंगे, वो सारे टिश्यू एसोसिएट होके बनाएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और प्रोकैम्बियम जितने भी अलग अलग टिश्यूज जो है प्रोड्यूस करेगा, वो टिश्यूज एसोसिएट होके बनाएंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये वाला जो है डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम, ये थोड़ा जो है हट के डिफिनेशन देता है। मैं बेसिकली जो है एपिकल मेरिस्टेम ही प्रोड्यूस करता है अलग अलग टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, वही प्राइमरी बॉडी में, प्लांट के इनिशियल स्टेज में एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करके अलग अलग टिश्यू बनाएंगे। अलग अलग टिश्यू एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे, बनाएंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम कॉमन ओरिजिन कैरी कर रहा है, उसके लिए बेस्ट ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन है प्रोटोडर्म फॉर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर द टिश्यूज
जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं, एंड प्रोकैम्बियम जो है टिश्यू प्रोड्यूस करेंगे, वो टिश्यू एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जितने भी डिफरेंट टिश्यूज हैं हैव एन कॉमन ओरिजिन, और वो कॉमन ओरिजिन क्या है, प्रोटोडर्म। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जितने भी डिफरेंट टिश्यू सिस्टम है एक यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं, उन सारे टिश्यूज का कॉमन ओरिजिन क्या होगा, ग्राउंड मेरिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जितने भी डिफरेंट टिश्यूज हैं जो एक यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एसोसिएटेड हैं, उनका कॉमन ओरिजिन क्या होगा, प्रोकैम्बियम। ठीक है, ये तो जो है हिस्टोजन थ्योरी के नाम पर ये भी हम रख सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं जो है एक्सेप्शन भी आ जाता है, हम यहां पर इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं, वन बाय वन स्टार्ट कर रहा हूं। प्लीज इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा कि नहीं बताओ तो सही, क्लियर है इंट्रोडक्शन। मैंने टिश्यू सिस्टम हेडिंग को जस्टिफाई किया, देन उसमें सेवरल टिश्यू जो है, देन उसके पोजीशन और लोकेशन या स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्टार्ट कर रहा हूं द वेरी फर्स्ट टिश्यू सिस्टम।